बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सबकी दुआएं। तो आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं? सब ठीक है। मैं काफ़ी देर के बाद व्लॉग बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाए। काफ़ी देर बाद बना रही हूँ आज व्लॉग। तो आज मैं बनाऊँगी मटन की कढ़ाई, बनाऊँगी देसी तरीके से, बहुत अच्छी बनेगी, मज़े की बनेगी। आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और उसको एंड तक लाजमी आपने देखना है। ये देखिए 1 kg ये है मटन है, ये देखें 1 kg ये मटन है, 2 ये बड़े टमाटर हैं, 1 ये बड़ा प्याज है, 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं 3 से 4, और ये बारीक मैंने ये अदरक इसको काटा है, साथ लेमन है, साथ पुदीना धनिया है, और ये मसाले हैं, ये कुछ खड़े मसाले हैं, थोड़े से इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और ये 1/2 चम्मच ये नमक की है, 1/2 चम्मच हल्दी की है, 1/2 से भी कम ये सुरख मिर्च है, 1/2 चम्मच ये चिली फ्लेक्स के हैं, और 1 चम्मच इसका सूखा धनिया के है। ये हम सब ऐड करेंगे। हाँ जी, ये प्रेशर कुकर है, इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी मटन को, ऐड करूँगी सबसे पहले, ये देखें, फिर ये जो मसाले थे इनको सबको ऐड करूँगी। और ये जो मसाले थे ये ऐड करूँगी सब मैं। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी, ये देखिए इसके अंदर मैंने हाफ ग्लास मैंने पानी का ऐड किया है क्योंकि ये मटन अपना भी पानी छोड़ता है। ठीक है, अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको मैं 15-20 मिनट के लिए ना इसको मैं ये इसका प्रेशर लगाऊंगी, जब ये सीटी बोल देगी फिर इसको मैं 15-20 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी। हाँ जी गाइस, ये अब हम प्रेशर को खोलते हैं और हम गोश्त चेक करते हैं, हमारा गोश्त गल गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ाई की। ये देखें गोश्त को देखते हैं हम। हाँ जी माशाल्लाह से गोश्त हमारा टेंडर हो गया, अब हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। हाँ जी, अब मैं ना इसको इसके अंदर शिफ्ट करूँगी कढ़ाई के अंदर, सिर्फ हमने इसके अंदर इसको गालना था, अब बुनाई में इसको कढ़ाई में करूँगी इसको बहुत अच्छे से। ये देखें इंशाल्लाह अब मैं व्लॉग बनाया करूँगी, तो आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी, आपको पता है इसके अंदर फैट होती है और इसके अंदर घी ऑलमोस्ट होता है, मैंने फिर भी मैं इसके अंदर ना हाफ से भी कम कप ना मैंने इसके अंदर वो डाल दिया घी का। ये देखिए अब हम इसकी अच्छी से इसकी बुनाई करेंगे, जो काली मिर्च है ये जो मैंने डाली थी बड़ी इलायची, इसको मैं निकाल दूँगी। तो अब हम इसकी ना अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, ये आप देखें बहुत मज़े की ये मटन कढ़ाई बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और आप लोगों ने मुझे बताना भी है आप लोगों को कैसी लगी। मैं इसके अंदर बहुत कम मसाले ऐड किए हैं, जो देसी मसाले आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं बस वही किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मटन की बुनाई मैंने अच्छे से कर दी है, ये हम लोग देखें, ये देखें माशाल्लाह से ऑलमोस्ट इसकी मटन के अच्छे से ये बुनाई हो गई है, ये आप लोग देखें बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल, और ये लेमन है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रहा है।
आप लोगों ने बनानी है, ट्राई करनी है और आप लोगों ने मुझे बतानी है कि आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी फाइनल लुक है मटन कढ़ाई की। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है आप लोगों ने। और अल्लाह हाफिज़।